अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सिजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी ट्रेड्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीडीआर के हेडिंग्स जो हमारे पास होती हैं उसके बारे में बताऊंगा और सीडीआर में जो चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उस चीज़ के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करने साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं हर न्यू नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कोर्स जो है मैं आप लोग की ला सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आ जाते हैं हम आप लोग अपनी स्लाइड की तरफ और यहाँ से स्लाइड को मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास सीडीआर, सीडीआर का हमारे पास मतलब क्या होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। इस कोर्स को जो प्रेजेंट कर रहा है वो है सिजावल हैकर, इट्स मीन कि मी। हमारे पास जो एजेंडा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जो कि इससे पहले मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था और अभी जो है मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँ सीडीआर को। अब सीडीआर हमारे पास होता क्या है, सीडीआर हमारे पास कॉल डिटेल रिकॉर्ड, कुछ लोग इसको कॉल डेटा रिकॉर्ड बोलते हैं, कुछ लोग इसको कॉल डिटेल रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक पर्सन का मोबाइल नंबर होता है जो कि हम उसको जो कॉल और एसएमएस वो किसी को करता है या इसको जो रिसीव होते हैं, मतलब कि एक बंदा जो कि अपने सेल फोन से अपने मोबाइल नंबर से किसी बंदे को एसएमएस करता है या कॉल करता है या फिर इसको कहीं से एसएमएस आती है या फिर कॉल आती है, ठीक है। तो वो वाली चीजें जो होती हैं सीडीआर में मौजूद होते हैं, लेकिन सीडीआर में जो है वो ओनली होल्ड फोन नंबर से फोन नंबर्स को होल्ड करता है, मतलब कि आपको एक हिस्ट्री प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मैसेज जो होते हैं, मैसेज के अंदर क्या लिखा होता है, ये जो कॉल वॉइस होती है वो जो चीज़ होती है वो ये होल्ड नहीं करता, एक हिस्ट्री टाइप जो है ना एक इसको ये होल्ड करता है। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे पास आती है ए पार्टी, आईएमई, बी पार्टी, लोकेशन, डेट एंड टाइम, कॉलर आईडी, आईएमएसआई, ड्यूरेशन, कॉल टाइप, कॉलर आईडी, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये जो है आप इसमें कुछ कन्फ्यूज भी हो सकते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है, यहाँ पे मैंने और सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ए पार्टी या ए नंबर या मिशन नंबर। अब ये हमारे पास वो होता है द सिम नंबर ऑफ वन हु सीडीआर इज सस्पेक्ट ऑफ विक्टम, हमारा जो टारगेट होता है, जो हमारा विक्टम होता है उसका जो है ये एक नंबर होता है, ठीक है। अब जो बी नंबर पे आ जाता है, बी नंबर पे वो वाला हमारे पास नंबर आता है जिसके साथ इस नंबर की कॉन्टेक्ट हुए हैं, इसमें एसएमएस के नंबर्स भी आ जाते हैं, इसमें जो है कॉल के नंबर भी आ जाते हैं, मतलब जिसने इसको कॉल की है, जहां से इसको कॉल आई है, वो सारी चीजें। अब इसकी बात आती है एम आई एम एस आई, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्रिप्शन आइडेंटिफाई, एक होती है मोबाइल नंबर, ठीक है, जो कि हमें पता होता है हम मोबाइल नंबर, एक होती है इंटरनेशनल, क्योंकि जो मोबाइल नंबर होता है वो तो पाकिस्तान के अंदर होता है जिसको हम लोकली भी बोल सकते हैं, लेकिन एक होती है इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन आइडेंटिफाई, ठीक है, वो चीज़ भी जो है सीडीआर में मेंशन होती है। अब इसके अलावा आई एम ई आई, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई, इसका मतलब ये होता है कि वो वाली आईमी किस किस मोबाइल में, सॉरी वो वाली सिम किस किस मोबाइल में यूज हुई है, उन सारी मोबाइलों की आई एम ई आई भी हमारे पास आ जाती है। अब हर एक चीज का अपना अपना एक फंक्शन है, जब मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल बेस करवाऊंगा तो आप लोगों को तब पता लगेगा कि इन चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्ट में क्यों बताया। अब ड्यूरेशन ये है कि उसने कितने टाइम जो है उससे बात की, लेकिन जो टाइम होती है वो हमें सेकेंड स्पेशल होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है लोकेशन, उस बंदे की लोकेशन भी हमें मिल जाती है, किस बंदे की, पार्टी ए की, मतलब जो हमारा टारगेट होता है उसकी लोकेशन हमें मिलती है कि उसने जिस टाइम कॉल की है उस टाइम वो बंदा कहां पर मौजूद था, किस किस जगह पे मौजूद था। अब उसके साथ हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी हमें मिल जाते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉल टाइप, कॉल टाइप का ये मतलब है कि ये इनकमिंग कॉल थी, आउटगोइंग टाइप थी, आउटगोइंग कॉल थी, या फिर ये एक एसएमएस था या फिर वॉइस कॉल थी, मीन कि इनकमिंग एसएमएस भी हो सकता है, इनकमिंग वॉइस कॉल भी हो सकती है, आउटगोइंग कॉल भी हो सकती है, आउटगोइंग एसएमएस भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें किसी सीडीआर में ये मिक्स होता है, किसी में अलग अलग होती है, जब हम सीडीआर को एक्सप्लेन करेंगे तो हर एक चीज में आप लोग को ए टू जेड बताऊंगा। इसके बाद डेट एंड टाइम भी जो है वो सीडीआर में मौजूद होता है कि स्टार्टिंग टाइम इसका कौन सा था और एंडिंग टाइम इसका कौन सा था।
मतलब ये कि इसने जब कॉल किसी को की तो उसका स्टार्टिंग टाइम कौन सा था, इसने जब कॉल एंड की तो इसका एंड टाइम कौन सा था, इसकी मीन कि इसने स्टार्ट कब की कॉल और एंड कब की, तो वो उस दोनों के जो बीच में जो चीज आ जाती है उसको जो है हम फिर ड्यूरेशन बोलते हैं, कितने टाइम उसने बात की है। इसी तरह सेम SMS का भी आता है, हर एक चीज का जो है हमारे पास डेट एंड टाइम हमारे पास आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये थी हमारे पास छोटी सी थ्योरेटिकल बेस जो कि हमारे पास यूज होते हैं CDR में। आप इसको CDR की हेडिंग्स भी बोल सकते हैं, और CDR मतलब जो पूरा जो CDR के जो कॉम्बिनेशन है वो सारे इन चीजों से मिलके बना होता है। अभी इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में CDR प्रैक्टिकल किसी पर्सन का CDR मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। और उसमें हम लोग एक फिल्टर भी अप्लाई करेंगे कि हम लोग स्पेसिफिक मन का कैसे CDR फाइंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।